कहते हैं सच्चे भाव से भागवत जी को सुनना जरूरी है, सच्चे मन से भागवत जी को सुनना जरूरी है। और भागवत जी की कथा सुनने के बाद आप सबकी जोरदार जयकार का लगना भी जरूरी। एक बार भाव और से प्रेम से बोलिए, बोले भागवत महापुराण की, बोले अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोले दाता गुलाबदास जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। बस इतनी ऊर्जा आपकी ओर से मिलती रहेगी तो हम आनंद के साथ इस आयोजन को फलीभूत करते रहेंगे। एक बार पुनः व्यासपीठ के चरणों में वंदन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय जिसका सर्वप्रथम बीजारोपण रैण की पावन स्थली पर अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने अंकुरित किया, ऐसे भगवत श्री चरणों में वंदन करता हूं। मारवाड़ रत्न दादा गुलाबदास जी महाराज जिनके निर्वाण की अर्ध शताब्दी के पावन अवसर पर यह आयोजन हो रहा है, आपके श्री चरणों में वंदन करता हूं। हमारे बीच में पुष्कर से श्री श्री 1008 आचार्य भगवान दास जी महाराज विराजित हैं, आपके श्री चरणों में एक बार जोरदार तालियों से आप सभी की ओर से वंदन करता हूं। साथ ही गुरुवर राजाराम जी महाराज आप सभी के समक्ष विराजित हैं, आपके श्री चरणों में भी कोटि से वंदन करता हूं। भागवत कथा के वक्ता और जिनके रोम रोम में भागवत जी विराजित है, जिनकी वाणी में भारत की संस्कृति निवास करती है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य कृपाराम जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूं। साथ ही जिनका पावन सानिध्य हम सबको मिला है, ऐसे हमारे नून मठ से जालोर जिलों में एक जगह है नून, और वहां से परम पूज्य महंत रामपुरी जी महाराज हम सबके बीच में विराजित, आपका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और इस पूरे आयोजन के जिनकी पावन निश्रा हम सबको मिलनी है और मिलती रहेगी, ऐसे परम पूज्य उमेद राम जी महाराज के श्री चरणों में आप जोरदार तालियां बजाकर वंदन करें। मारवाड़ रत्न दादा गुलाबदास जी सेवा समिति जोधपुर, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को अपना आधार बनाया, और उसके बाद परम पूज्य संत राम प्रकाश जी महाराज जिनके जीवन में राम जी का प्रकाश है, ऐसे हमारे राम प्रकाश जी महाराज के श्री चरणों में भी जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग वंदन करें। और साथ ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक करके आप सबके बीच में ये भागवत जी को यहां तक लाने वाले, जिनके विचारों में राम है और राम ही जिनके विचार है, ऐसे हमारे परम पूज्य राम विचार जी महाराज के श्री चरणों में भी वंदन करें। केवल एक छोटी सी बात निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में खड़ा हुआ हूं। आप सभी लोग इतने यहां पर मंच के ऊपर धर्म के इतने धुरंधर बड़े बड़े वक्ता और इतने मर्मज्ञ यहां विराजित हैं कि उनके सामने यदि कोई बात करूं तो मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, लेकिन जैसा आशीर्वाद संतों का मिला है उन्हीं की कृपा से आप सबके बीच में इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग भगवत प्राप्ति के लिए यहां पर आए हैं। ईश्वर के दर्शन जीवन में एक बार हो जाए, परमात्मा के एक बार दर्शन हो जाए, ये सभी लोग आप चाहते हैं। लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि भगवान आज आपके पास आ जाए भागवत जी की मेहरबानी से और आप सबको बोले कि मैं अपने आपको मेरे साथ ले जाना चाहता हूं, तो कितने लोग जाने को तैयार है? जिंदगी में धपोड़ा हो गई। ये किसने कह दिया कि भगवान की प्राप्ति के लिए आपको यह जीवन छोड़ना पड़ेगा? ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है वो है भागवत कथा, और उसकी कथा के आंगने में आप बैठे हो, इससे बड़ी भगवत प्राप्ति और कोई हो नहीं सकती। चलो मान लिया आप सब लोग जाने को तैयार हैं, तैयारी किस किसने कर ली? देखिए अपन दो दिन गांव जाते हैं तो पहला वो कपड़ा प्रेस करावा, बैग तैयार करा, भातो बनावा, पानी की केतली भरा और जाऊं ना टिकट लेवा। आप एडी कोई तैयारी करी? आपका टिकट है कोनी है किन्हीं कने कोनी है? इनो कारण यू है क्योंकि अंधेरे में अपनी छाया भी साथ
नहीं देती। अंधेरे आवेदन बाछी हुई लॉम्बी जा भाई अपन हाथे नहीं रहे, अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती और बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। और जिस धन और दौलत को कमाने के लिए लगा दी सारी जिंदगी, अंत में वो धन और माया भी साथ नहीं देती। यानी अभी आपके बैंक खाते में जितने रुपए हैं उसमें से एक रुपया भी आपके साथ चलने वाला नहीं है। और जिस मकान को आप अपना समझते हो, उस आपके दादाजी भी उसको अपना समझते थे, वो भी गए तब साथ लेकर नहीं गए, उसको यहीं छोड़कर गए, तो वो तो कुछ साथ चलेगा नहीं, तो साथ में क्या चलेगा? दो बातें। पहली बात तो आपके साथ में आपके कपड़े, आपका मारवाड़ी में कहे भातो, वो तो है भगवान का किया हुआ भजन, जो आप व्यासपीठ के श्री चरणों में बैठकर भागवत जी के माध्यम से कर रहे हो। और दूसरा है टिकट। टिकट कब मिलता है? जब कुछ न कुछ अपन अर्पण करते हैं। यदि रेल में बैठना है तो रेलवे विभाग को कुछ पैसे देंगे तब रेल अपने को जाने का टिकट देनी है। यदि आपको परमात्मा के परम धाम पर जाना है तो टिकट खरीदना पड़ेगा, और वो टिकट कहां मिलता है? इन संतों के श्री चरणों में मिलता है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि परम पूज्य संत श्री राम प्रकाश जी महाराज ने ये जितना भी आयोजन किया है वो हम सब के लिए किया है, कि हमारे मारवाड़ सूर्यनगरी जोधपुर के लोग भक्ति में इतने प्रवीण है कि उनको 7 दिन तक ऐसा दर्शन मिले मारवाड़ रत्न दादा गुलाब दास जी महाराज के आशीर्वाद से, कि आप सब लोग भक्ति के टिकट लेकर अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। और भक्ति तभी प्राप्त होती है जब किसी सदगुरु की कृपा होती है। एक छोटी सी बात निवेदन करता हूं, जब भगवान राम जी सीता जी के स्वयंवर में गए थे विश्वामित्र जी के साथ, 10,000 राजा आए हुए थे, धनुष तोड़ने की बारी आई, सभी राजा उठे धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसी से धनुष टूटा नहीं, हिला भी नहीं। लेकिन जैसे राम जी खड़े हुए और उनसे धनुष टूट गया, ऐसा क्या था राम जी के अंदर? केवल और केवल एक बात थी, वो थी जितने भी राजा उठे उनको अपने ऊपर अहंकार था, और किसी ने भी किसी संत को प्रणाम नहीं किया, किसी सदगुरु को प्रणाम नहीं किया, अपने बल के अहंकार से उठे तो वो धनुष किसी से हिला नहीं। और राम जी इतने सहज है कि जैसे ही राम जी उठे सबसे पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, सभी संतों को प्रणाम किया, मन के अहंकार को दूर भगाया और जाके धनुष को उठा करके प्रतिमा चढ़ाकर दो टुकड़े करके सीता जी का वरण कर लिया। यानी यदि जीवन में आपको भक्ति चाहिए तो सबसे पहले तो मन का अहंकार मिटाना पड़ेगा, और मन का अहंकार कब मिटेगा? जब किसी सदगुरु महाराज की कृपा होगी, और जब सदगुरु महाराज की कृपा से मन का अहंकार मिटेगा तब सीता रूपी भक्ति आपको प्राप्त होगी। इसलिए यह पावन अवसर आप सबके बीच में आया है हमारे परम पूज्य संत राम प्रकाश जी महाराज के माध्यम से, तो इसमें आप सबको अपने अपने टिकट खरीदने हैं। और जिन लोगों ने एडवांस में अपनी बुकिंग करा ली उनको पहले से पता था कि इतना दिव्य आयोजन है, उनके नाम एक बार आप सबके बीच में उद्घोषित करता हूं, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो व्यासपीठ के समक्ष आएंगे। पर हमारे बीच में पुष्कर से महंत श्री श्री 1008 आचार्य श्री भगवान दास जी महाराज से, और परम पूज्य संत राम प्रकाश जी महाराज के कर कमलों से वो सम्मान स्वीकार करेंगे। साथ ही हमारे बीच में राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री और पशुपालन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान गोवर्धन जी राय का भी पधारे, एक बार उनका भी जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग अभिनंदन करें, पुरजोर तालियों से। श्रीमान गोवर्धन जी राय का अध्यक्ष पशुपालन कल्याण बोर्ड राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। आइए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इस पूरे 7 दिवसीय आयोजन में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है, वो हैं श्रीमान तिलोक जी देवासी कुशालपुला हाल बेंगलोर, जिनकी ओर से 2,51,000 रुपए की राशि इस पूरे आयोजन के निमित्त आपने प्रदान की है। अपनी मेहनत की कमाई से परमात्मा आपकी इस कमाई को 10 दुगुनी 1,000 गुनी करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आए मंच के ऊपर और व्यासपीठ की उपस्थिति में परम पूज्य आचार्य श्री भगवान दास जी महाराज के हाथों से ये आशीर्वचन स्वीकार करें। श्रीमान तिलोक जी देवासी कुशालपुरा हाल बेंगलोर, और इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा 1,00,000 रुपए की राशि श्रीमान मंगलाराम जी सीरवी चेन्नई से,
आप सभी के बीच में पधारे हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा भी आप भी व्यासपीठ के समक्ष पधार जाएं। और इसी क्रम में मेरा अनुरोध रहेगा, 1,00,000 रुपए की राशि नारायण जी सीरवी, वो भी बेंगलोर से हैं, एक बार उन सब के लिए जोरदार तालियां तो बजाएं। मारवाड़ के रिपे तो देवना दे, तालियों तो थे बजाओ, इनको हिंग लागे, इनको फिटकड़ी रंग लागे चोखो, और फोगड़ो काम कर में मारवाड़ी आदमी लारे नहीं रहे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें वारों, नारायण जी सीरवी बेंगलोर, 1,00,000 रुपए की राशि आपके इस पूरे आयोजन के निमित्त। उसके बाद 51,000 रुपए की राशि श्रीमान हरचंद जी चौधरी, आपसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भी मंच के समक्ष पधारें। 51,000 रुपए की राशि श्रीमान मान सिंह जी दातीना, मान सिंह जी का भी जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग अभिनंदन करें, आप भी मंच के ऊपर पधारें। इसी क्रम में 21,000 रुपए की राशि श्रीमान सांवताराम जी देवासी भाणिया गांव, 21,000 रुपए की राशि श्रीमान आसूराम जी देवासी कापरडा, और 21,000 रुपए की राशि आपके ही भाणेज श्रीमान सांवतराम जी देवासी चेन्नई आपने प्रदान किए हैं। आपका भी मैं इस पूरी आयोजन के निमित्त और सदगुरुदाता गुलाबदास जी महाराज की सेवा समिति जोधपुर के माध्यम से आपका भी अभिनंदन करता हूं। साथ में 11,000 रुपए संतोष सिंह जी गहलोत और 11,000 रुपए मुन्नी कंवर बाई साहब जो बेंगलोर से पधारे हैं, आपका भी जोरदार तालियों से आप सब लोग अभिनंदन करें। और जिन जिन का नाम मैंने उद्घोषित किया है सभी लोग मंच के ऊपर आ जाएं, जिन जिन का नाम मैंने लिया है वो सभी लोग एक बार मंच के ऊपर आ जाएं यदि आप मौजूद है तो, और आकर हमारे संतों से आशीर्वचन प्राप्त करें। और इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा आप सभी के समक्ष, श्रीमान तिलोक जी देवासी कोशालपुरा मौजूद है कि यहां पे त्रिलोक जी आप आगे पधार जाएं, और हमारे बीच में राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री और पशुपालन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान गोवर्धन जी राय का, उनका आप अभिनंदन करें। हमारे सदगुरु गुलाबदास जी महाराज की सेवा समिति के माध्यम से, परम पूज्य संत राम प्रकाश जी महाराज के माध्यम से, और परम पूज्य संत राम विचार जी महाराज और उनकी पूरी टीम के माध्यम से आप गोवर्धन जी का भी अभिनंदन करें, और महाराज जी से आशीर्वचन। और ये गुलाबदास जी महाराज की और जन दरियाव जी महाराज की एक बार इन सभी का जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने सदगुरु महाराज की कृपा से ये मन किया है कि इस आयोजन के निमित्त हमारा भी कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, और गुरुवर राजाराम जी महाराज और कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय संत और देश की गरिमा जिनको बहुत भाती है, ऐसे हमारे परम पूज्य कृपाराम जी महाराज की भागवत कथा को सुनकर जितने भी लोग इस पांडाल में विराजित हैं, आपसे भी मैं करवत निवेदन करना चाहूंगा। मारवाड़ी में क्या पर होड़ तो कि नहीं करनी नहीं, लेकिन जेड़ो परमात्मा आपने दियो है, जिस योग्य परमात्मा ने आपको बनाया है, ऐसा सहयोग आपको यहां पर इस पूरे आयोजन में करना है। कितना विराट आयोजन है कि 13 जून प्रातः 8 बजे से निरंतर अखंड रामायण का पाठ, रामायण का पाठ उस आश्रम में निरंतर चल रहा है। कल प्रातः काल से विशाल शोभा यात्रा, जल यात्रा, कलश यात्रा के बाद में भागवत जी का आयोजन आप सबके बीच में हो रहा है। शाम को 7:30 बजे से परमहंस महंत रामप्रसाद जी महाराज के श्रीमुख से भक्त चरित्र नानीबाई के मायरे की कथा को भी भाव से आप सब लोग सुन रहे हैं, और निरंतर 7 दिनों तक संतों का भंडारा यहां पर चलता रहेगा, और एक समय का भंडारा आप सभी भक्तजनों के लिए भी यहां आयोजित रखा है। इसमें जितना सहयोग आप दे सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे मिलकर सहयोग प्राप्त करके और उनकी रसीद आप प्राप्त कर इस पुण्य के भागीदार बने, ऐसा मैं आप सबसे भाव से निवेदन करता हूं, हृदय से निवेदन करता हूं। क्योंकि धन दौलत पाकर जो सेवा की प्रभु की न कर सका, धन दौलत पाकर जो सेवा प्रभु की न कर सका, और दया भाव से दुखी दिलों के जख्मों को जो न भर सका, वो नर अपने जीवन में सुख शांति कहां से पाएगा, वो नर अपने जीवन में सुख शांति कहां से पाएगा। और ठुकराता है जो औरों को, वो स्वयं ठोकरें खाएगा।